हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक टॉय जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो लेट क्विकली अनबॉक्स इट, इसको ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने जब अमेजोन पे ऑर्डर किया तो इसमें लिखा हुआ था कि ये 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है फॉर लर्निंग एंड IQ लेवल शार्प करने के लिए। इसमें उनको शेप्स को समझने में हेल्प मिलती है एंड दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। और ये क्रिएटिव भी है, कलरफुल भी है। तो लेट्स सी, ये देखिए, दिस इज़ दी टॉय। ये टॉय मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से एंड ये मुझे 300 रुपीज़ में पड़ा है। आप यू कैन सी, इसमें बच्चों को सर्कल, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड पेंटागन, दीज शेप्स को आइडेंटिफाई प्लस कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है एंड दे कैन पुट इट राइटली। मतलब इसको यहाँ पर इनको प्लेस करना है तो उसमें भी उनका दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा तो दैट उनका IQ लेवल इंक्रीज होगा। सो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं कि किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। ओके, तो ये देखिए, तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत ही स्लीक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देखने में एंड दिस इज आई थिंक मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के हैं एंड ये जो है दिस इज वुड, ये वुड का है और इसका जो पैनल है दिस इज ऑल्सो वुड, ये भी वुड का है एंड इस तरह से आप बच्चे के सामने ये निकाल के रख सकते हैं। बच्चे को सोचना पड़ेगा कि कौन सी वाली शेप कहाँ जाएगी, वो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ ही रखना होगा, यहाँ नहीं रख सकते और यहाँ नहीं आएगा ये शेप। तो बच्चे का IQ लेवल इससे इंक्रीज होता है प्लस उनको कलर्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलती है कि कौन सा कलर है। आप उनसे पूछ सकते हैं विच वन इज़ ग्रीन, विच वन इज़ ब्लू, विच वन इज़ येलो एंड विच वन इज़ रेड। तो उसके अलावा दिस इज़ अ सर्कल, तो इसे इमेजेस को पहचानने में उनको हेल्प मिलती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉय आई फाउंड ऑन अमेजोन, सो आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई डॉटर। अब इसकी बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, कुछ इसमें से हिल रहे हैं, जैसे कि दिस वन इज नो, ये हिल रहा है, इसको मे बी, अच्छा ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर ये निकल आता है देन यू कैन प्लेस इट अगेन, आप इसको दोबारा लगा सकते हैं। और आप चाहें इसको फिक्स करना चाहते हैं परमानेंट तो इन्होंने तो नहीं दिया हुआ ऐसा, बट इसमें आप अगर थोड़ा फेविकॉल रख के और इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर देन आई थिंक ये फिर नहीं निकलेगा। तो कुछ निकल रहे हैं और निकलने से ये कि ये खो सकते हैं तो फिर ये टॉय ख़राब हो जाएगा अगर ये खो गए तो इसको आप फेविकॉल, अगर ये आप ऑर्डर करते हैं तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको फेविकॉल लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही स्लीक और अच्छा डिज़ाइन है, प्लस इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चे को किसी भी तरह की हार्म हो सकती है, बच्चे को कोई चोट पहुँच सकती है, कुछ ऐसा भी नहीं है इससे। तो दिस इज़ अ नाइस टॉय। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। एंड आई रियली लाइक दिस टॉय, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसी इसकी क्वालिटी उन्होंने इमेज में दिखाई हुई थी एग्जैक्टली सेम क्वालिटी मुझे मिली है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी मुझे नहीं नज़र आ रही इसकी क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसको। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।